हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मोहन सर की क्लास में और मेरी कहानी मेरी जुबानी सीरीज में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी गलती कैसे मुझे हमेशा का पछतावा देकर चली गई थी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब दादी माँ के देहांत के बाद जब मैं मुंबई आया, तब मुझे पता चला कि मैं सारे विषयों में फेल हो गया हूँ। हालांकि वह एग्जाम बोर्ड की नहीं थी, मगर मुझे लगने लगा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बोर्ड एग्जाम में भी फेल हो जाऊंगा। अब मुझे पढ़ाई की चिंता होने लगी थी। मेरा पैर जख्मी था, फिर भी मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया था। ऐसे समय में पढ़ाई के लिए समय निकालना मुश्किल था, मगर मैंने सोच लिया था कि जब भी जहां भी मुझे समय मिले वहीं पर बैठकर मैं पढ़ाई करूंगा। इतना ही नहीं, अब मैं काम पर जाते समय भी पुस्तक साथ में लेकर जाता था और बाकी लोग जब ट्रेन बंद होते तक बैठकर बातें करते, तब मैं पढ़ाई भी करने लगा था। मगर न जाने ऊपर वाले को क्या मंजूर था। जिस दिन मैं बुक लेकर जाता, उस दिन काम अधिक होने की वजह से समय ही नहीं बच पाता था। कभी मिल जाता तो पढ़ लिया करता, और जिस दिन बुक नहीं लेकर जाता उस दिन समय मिल जाता, तब मुझे पछतावा होने लगता था कि मैंने बुक क्यों नहीं ली। प्रतिदिन बुक लेकर जाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि काम के समय बुक संभालना मुश्किल होता था। कहीं रखता तो भूलने का डर रहता, बाकी सामानों के साथ रखता तो खराब होने या फटने का डर होता, क्योंकि सारे सामान लोहे के थे। इसलिए जब भी मैं लेकर जाता तब जींस की जेब में मोड़ कर रखता, मगर गिर जाने के डर से बार बार उधर ही ध्यान जाता था, और उसकी वजह से काम में मन नहीं लगता था। किसी भी तरह से मैं अपने सपने को सच करने में लगा रहा और अपने इस सफर को आगे बढ़ाता रहा। समय बीतता गया और फर्स्ट ईयर की फाइनल एग्जाम करीब आ गई। जहां मैं रहता था वहीं पर पास में सेंटर मिला था, लेकिन हम जिस रूम में रहते थे वहां लाइट नहीं थी। सेठ IW ऑफिस में सोते थे जहां पर लाइट थी। सेठ उस समय गांव चले गए थे, इसीलिए अब मैं IW ऑफिस में जाकर सोने लगा और वहीं पर पढ़ाई करने लगा। अब पढ़ाई नहीं होने की वजह से मैंने काम पर जाना बंद कर दिया था। एग्जाम को केवल 2 दिन बाकी थे और न जाने क्यों वहां की भी लाइट चली गई। रेलवे के आदमियों को बताने के बावजूद भी उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए अब मुझे पढ़ाई में समस्या आने लगी थी। IW की बनावट थोड़ी अलग तरह की थी। आधी दीवार ईंट और सीमेंट की थी और ऊपर की दीवार लोहे की ग्रिल से बनी थी। उसे पर्दा लगाया गया था ताकि बाहर वालों को अंदर की चीज न दिखाई दे। उस दिन लेटे लेटे इसी के बारे में मैं सोच रहा था, तभी मेरी नजर उस टेबल पर पड़ी जिस टेबल पर सेठ हिसाब किया करते थे। उस टेबल पर ग्रिल के कोने से थोड़ा सा उजाला आ रहा था। मैंने देखा तो पता चला कि पर्दे को कीले से ठोक कर लगाया गया है। अब मुझे एक उपाय सूझा। मैंने उस कीले से पर्दे को निकालकर थोड़ा सा मोड़ा तो टेबल पर उतना उजाला आने लगा जितने में मैं अपनी बुक रखकर पढ़ सकूं। मैंने पर्दे को एक रस्सी बांध दी ताकि पढ़ाई के समय उसे मोड़कर बांध दूं और पढ़ाई होने के बाद फिर से टांग दूं। इस तरह से मैं प्रतिदिन पर्दे को मोड़कर जितनी हो सके उतनी पढ़ाई करता था। कैसे भी मैंने परीक्षा दी, कुछ पेपर अच्छे गए और कुछ खराब भी गए। परीक्षा के समय भी थोड़ी सी गलती हो गई। बाकी के पेपर्स 11 बजे होते थे, मगर मानस शास्त्र का पेपर 2 बजे था। मैंने सिर्फ डेट देखा था। टाइम नहीं देखने की वजह से मैं सुबह 11 बजे ही सेंटर पर चला गया।
लेकिन वहां जाने के बाद मुझे कोई भी स्टूडेंट नहीं दिखाई दिए। जब मैंने वॉचमैन से पूछा तो उन्होंने कहा कि आज पेपर नहीं है। इसलिए मैं निश्चिंत होकर वापस घर आ गया और घर आकर मैंने टाइम टेबल भी नहीं देखा। लेकिन दूसरे दिन जब मैं फिर सेंटर पर गया तो वहां से पता चला कि कल 2 बजे ही पेपर था और इसी वजह से मैं मानस शास्त्र का पेपर नहीं दे पाया था। इसी वजह से बाद में मैं मानस शास्त्र के पेपर में फेल हो चुका था। परीक्षा के बाद भी मैं पैसे कमाने के चक्कर में गांव नहीं गया और यहीं रहकर काम करता रहा। यहां तक कि मैं मामा के लड़की की शादी में भी नहीं जा पाया था। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई पूरी की थी। अब सेकेंड ईयर की पढ़ाई मैंने कैसे की यह बताने मैं फिर आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।